हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी हालत हो गई खराब, क्योंकि मुझे यहाँ इतना ज्यादा, वो अभी कटनी का टाइम है ना, तो इतना ज्यादा मतलब क्या बोलता है उसको, कुन्नी कुन्नी कटा रहा है इतना ज्यादा कि मुझे एकदम गंदा वाला एलर्जी सर्दी वगैरह हो रखा है। और ये रही मेरी धर्मी, धर्मी से आए। आज हमारे यहाँ होलिका दहन, और अभी हमारे यहाँ बन रहा है बच का पकौड़ा। तो इधर बन रहा है, मौसा जी बना रहे हैं, हम और मौसा जी मिला के सब मिक्स किए, मम्मी काट छाट के दिए, और अभी खा रहे हैं आइसक्रीम। और हम लोग कहना पचका हो गया, हम लोग को लगा कि होलिका दहन कल है तो हम लोग कल मनाएंगे, बट था आज। और फिर जल्दी 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 सब प्रिपरेशन करना पड़ा। तो आप लोग बताना, आप लोग अपना होलिका दहन कैसे सेलिब्रेट किए? तो हमारा तो ऐसे हुआ, आपका कैसा हुआ? तो बाय। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है होलिका दहन का नेक्स्ट डे। बहुत जगह आज होलिका दहन है, मीन्स 7th को, और बहुत जगह 6th को था। तो हम लोग को भी यही लगा कि हम लोग के यहाँ भी 7th को ही है, बट सडन मौसी आई, बोली नहीं नहीं आज ही है, आज ही है। फिर हम लोग यहाँ रात को जो बनता है कढ़ी वगैरह जो सब कुछ, वो सब बना। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, ज़्यादा नहीं, बिकॉज इतना हर पर सब हो गया था ना कि टाइम ही नहीं मिला। और ये सब जो है ना, मुझे कल इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था, वो बोरेली ला दो ना, इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था, मतलब मैं नाक पोछते पोछते मेरा हालत ख़राब। फिर मैं दवाई ला के खाई, एंटीबायोटिक वगैरह ये सब, क्योंकि मुझे था कि मुझे वायरल ना पकड़ ले सडन। तो फिर लेकिन नहीं, अभी आज अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे ना क्या है ना कि अभी मार्च का टाइम है ना, तो अभी कटनी का टाइम है, तो अभी ना हर जगह सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, धूल धूल नहीं कह सकते उसको, क्या कहते हैं, कुट्टी कुट्टी होता है ना, वो सभी हर जगह जगह आपको मिलेगा। तो वही उड़ रहा था ना, उड़ रहा था, उसको मैं उससे मेरे को इतना एलर्जी हो रहा था, मतलब लिटरली मैं छींकते गई छींकते गई छींकते गई, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है मेरे को, बस छींक आ रहा है। और बस तो आप लोग बताना, आप लोग का होली कैसा जा रहा है। और यहाँ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही ड्यू टू यहाँ पे नेट का बहुत इश्यूज हो जा रहा है, बट मैंने शूट कर लिया है। और कंबाइन एक ही व्लॉग डालूंगी होली का, पूरा होली का दहन टू होली, ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो, एक ही बार अपलोड हो जाए जितना मुझे से होना है। और बस हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत टाइम बाद लिटरली हमको तो होली से भी अब डर लगता है, बट होपिंग फॉर द बेस्ट, यही समझ के मैं होली सेलिब्रेट कर रही हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे इंजॉय कर रहा है ना, तो वो धन भी है, लिटरली उसको सब मतलब गोद में ले लेगी, इधर उधर सब घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सब कोई उसको, और वो तो बाप रे, ना खा रही है ना पी रही है, बस घूमना। सो अच्छा है, नानी घर आई है, इंजॉय कर रही है, मेन उसका नानी घर तो यही है। और यहाँ पे डैडी का इतना ज़्यादा वो बना हुआ है, क्रेडिट इतना अच्छा है हर कोई की, मतलब डैडी का नाम लेके उसकी नाती ने उसकी नाती, हर कोई इसको गोदी ले रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई ये खिला रहा है, हम मना कितना करेंगे, अच्छा भी नहीं लगता ना, आप कोई खुशी से इसको दे देता है तो हम नहीं, कितना बार बोलेंगे नहीं नहीं खाती है, इसको नहीं देना है, नहीं खाती, नहीं देना, वो ठंडा लग रहा है तो हम मोटा वाला उसको उठा दे ला के, जो वो उड़ती है। हाँ, समझ में तो आ नहीं रहा, तो कितना मना करेंगे कि नहीं आप मत दो, बट हम जो भी आता हम बोलते हैं कि ये कुछ नहीं खाती, आप बस खिलाओ उसको, मतलब खिलाने ले जाते तो खिलाओ, कुछ खाती वाती नहीं है ये, उसके बाद भी नहीं। बट अभी तो बाप रे इतना रो रही थी, नहा के भी उसको घूमने ही जाना, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, कोई ना कोई इसको लेने आ ही जा रहा है, और सब, और इतना ये फ्रेंडली है ना कि सबको ये गोरी चल भी जाती है। पहले बीच में थोड़ा सा ना उसको दिक्कत था, मतलब जाने आने में ना किसी के यहाँ नहीं जाना चाहती थी उसको ना, थोड़ा वो होता था। और लेकिन ना ये भी ना
बच्चा है बट ये भी ना वाइब कैच करता है, जिसका वाइब इसको अच्छा आता है ना उसके पास ही चली जाएगी, इससे वाइब अच्छा नहीं आएगा उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और इसका वाइब और मेरा वाइब बहुत सिमिलर है, मेरे को जिस इंसान से रहेगा ना कि मतलब इसका दिखावा है, नेचर सही नहीं है, तो हम उसे दूर रहना चाहेंगे, उसकी गुद्दी तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और चली भी गई ना, अगर हमको देख ली खुद मारेगी, लेकिन ये सब जो घुमाने ले जा रहा है मेरे पास भी नहीं आती है, लगता है कि बस घूमना है, बस घूमना है उसको, तो बस। और उसके बाद मैं चली गई पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास ही पानी पूरी का ठेला लगा था और बहुत यमी यहाँ का पानी पूरी होता है। तो हे गाइस, वेलकम, आज ही होली, सो हैप्पी होली टू ऑल। एंड और अभी हम लोग का खाने का प्रिपरेशन हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ हमारा होली कैसा होता है। और फर्स्ट टाइम ये आए हैं होली में, मतलब घर में कोई दामाद आया है तो उनका स्वागत किस तरीके से होता है मैं आप लोग से बहुत शेयर करती हूँ। सो अभी हम लोग क्या मटन और पुलाव बन रहा था, पुलाव तो मैं बना ली, बट मटन का प्रिपरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखो आप लोग, इधर मम्मी प्याज काट रही है, उधर मेरा पुलाव चढ़ा है, इधर धनवी है, कॉपीराइट आएगा, और उधर मटन का तैयारी हो रहा है। और ये रहा मेरे घर का आंगन, और यहाँ पे धनवी अपने पापा के साथ आराम से सो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा शोरगुल हबगब हो रहा था ना, अच्छा मतलब सुकून से गई अपने पापा के पास और जाके आराम से जाके सो गई। और इतनी क्यूट लग रही थी ना सोते वक्त, तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो निकाल लेते हैं फॉर मेमोरीज़ और आप लोग से भी शेयर करते हैं। उसके बाद शाम में हम लोग चले गए अबीर देने के लिए। हमारे यहाँ बिहार में क्या है ना, सुबह रंगों की होली होती है और शाम में बड़े लोगों को आप जाके पैर पे अबीर देते हो, तो मैं बहुत दिन के बाद गई थी ऐसे सबको अबीर देने के लिए। और यहाँ पे बैठ के हम लोग बहुत सारा मस्ती भी कर रहे हैं। ये रहा मेरा होली का पूरा लुक जो मैंने आज पहना था, और ये वाला सूट मुझे मौसी ने दिया है, क्योंकि मायके का कपड़ा पहनना होता है होली में, तो मौसी ने दिया है मुझे भी और इनको भी और बाबू को भी, बाबू को तो बहुत सारा मिला है। सो आप लोग बताना आप लोग की होली कैसी रही। मेरी होली बहुत बहुत अच्छी रही, फाइनली बहुत टाइम बाद आफ्टर सो लॉन्ग मैंने आज होली होली सेलिब्रेट इन द सेंस, बहुत ये वो नहीं, मतलब सुकून और शांति से मैं रही हूँ और बस। और गई थी बगल में भाभी लोग के घर, सो अच्छा लगा जाके, बहुत टाइम बाद अगर आप किसी से मिलते हो, और मुझे लिटरली यहाँ पे सारे लोग बहुत मानते हैं बहुत ज़्यादा, सो बस। और अभी मेरा हो गया है होली वगैरह, बस खाना पीना बाकी है, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, और बहुत ज़्यादा मन नहीं है, पता नहीं आज मन बहुत भरा भरा सा लग रहा है। सुबह में मैंने थोड़ा सा खाया, उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हुआ कुछ भी खाने का। एंड होली कलर्स का ही फेस्टिवल है, और आप उस इंसान के साथ सेलिब्रेट करते हो जो आपके लाइफ में कलर लेके आया है। लिटरली आई एम ब्लेस्ड, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत लोग को लगता है क्यों गुनगान करती है, क्यों नहीं करूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हैप्पीनेस का जो रीज़न है वो तो यही है। और होली पिछले बार बाबू होने को थी, लिटरली मैं बताऊँ मैंने खिचड़ी खा के होली सेलिब्रेट करा था, मतलब लिटरली मेरी होली ऐसी थी कि मैं खिचड़ी खाई थी पूरा होली में। और इस बार थोड़ा बहुत खाना खाया है, और हर जगह मतलब भाभी लोग के घर गई, वो लोग यहाँ आई मेरे से मिलने आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा पूरे मोहल्ले में। और जिसके यहाँ पता क्या हुआ था ना, मैं दो दिन घर गई और निकल रही थी ना, तो मुझे मिल गया, तो बोला कि अच्छा यहीं से लौट के जा रहे थे, बोले नहीं नहीं यहीं आ रहे थे, उनको झूठ झूठ बोलना पड़ा। सो बस, और गांव की होली बहुत अच्छी होती है, बहुत सुकून बहुत शांति की होती है, पटना में तो होली फील ही नहीं होता कि पटना में होली भी है। और बस बस मेरी होली काफ़ी अच्छी रही इन द सेंस कि अच्छी थी, मतलब क्योंकि मुझे बढ़िया
लिटरली मुझे इतना इस घर से लगाव है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डैडी का प्रेजेंस है हर जगह, और अंकल लोग भी आए थे तो सबको यही बोल रहे थे कि धनु मतलब डैडी का नाम लेके उनके बिना ना होली बहुत फीका फीका सा लग रहा है, क्योंकि वो होली में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते थे। डैडी को होली का बहुत बहुत वो होता था और हमको भी बहुत फील हो रहा था, बट मौसी मौसी जी बिल्कुल भी फील होने नहीं दिए, तो थैंक्स टू देम बिल्कुल भी नहीं। और थैंक यू बोलने की बात नहीं है, वो भी मेरे गार्जियन ही है, आफ्टर डैडी मम्मी मेरे लिए मौसी मौसा ही हैं, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट धनवी बहुत इंजॉय की, उसके लिए हम बहुत डरे हुए थे कि धनवी को पता नहीं क्या होगा, पर धनवी बहुत इंजॉय की। और इनको सब भांग का शरबत, इनको बहुत पीने का मन था, तो हमारी ऑथेंटिक भांग का शरबत बनता है तो वो सब भी वो पिए, तो मेनली धनवी के पापा इंजॉय की, धनवी इंजॉय की, तो हम इंजॉय कर लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरा प्लेस था और ये दो मतलब धनवी के पापा आना नहीं चाह रहे थे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, बट हम उनको बोले कि नहीं आप आओ, आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ पे आओगे तो। और मेरे घर में हर चीज़ बहुत पुराना आपको दिखेगा, वो टीवी, वो फैन, हर चीज़। पर मेरी धनवी आपको न्यू मिलेगी, धनवी आप बहुत बदमाशी कर ले हो। हूँ नहीं फिर इसी तरीके से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट करा, और बहुत ज़्यादा धूमधाम भी नहीं करा, बट घर आगे हमने इस तरीके से होली सेलिब्रेट करा। और जो अभी आप लोग सुन रहे थे वो टिपिकल होली का जो लोकगीत होता है वो सब लोग गा रहे थे, मौसी जी और अंकल जी थे। सो बस इस तरीके से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट करा, सो हैप्पी होली टू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय।